ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ लगा के गए बाकी लोग, मैं आप लोगों को पीछे भी नजर आ रहा होगा। मैंने कहा मुझे मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद पढ़ के मैं आ चुका हूँ और अभी निकलने लगा हूँ मैं गाँव के लिए। आज एक नई जगह देख रहे होंगे, मैं ये तीसरी मंजिल पे खड़ा हुआ, इधर बाई के पास आया हुआ था। अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं गांव निकलने का, क्योंकि काम शाम आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा किया है, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अबू जोन से वो सुबह निकल गए हैं, मुझे भी कह रहे थे उठो 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 उठो, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम कर करके लगातार कंटिन्यूसली काम किया है। 9 बजे मैं गया हूँ, काम स्टार्ट किया है और उठा मैं 7 बजे था काम पे। मैं 9 बजे गया हूँ और 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कंटिन्यूसली वर्किंग करना कोई इतना इजी काम नहीं है। बस अभी उठा हूँ और मौसम आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर लोगों ने भैंसों के बाड़े भी बनाए हुए हैं, ये देखिए इधर नीचे बाड़ा हुआ, ये सारी रहशें हैं, फ्लैट्स वगैरह बनाए हुए हैं। और गाँव देखता हूँ वहाँ का मौसम कैसा है, किस तरह का मौसम है। भाई इधर रहता है, इधर ही उसने रेजिडेंस रखी हुई अपनी। अभी जो सर तरलाई के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा सुंदर मौसम है। और कपड़े वगैरह लगा के ये देखें मैं रेडी हूँ, भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो जैसे ही कपड़े मतलब लगा के रेडी होता है निकल जाएंगे। वहाँ पर हमने कुर्बानी वगैरह देनी है और सारी मतलब वहाँ पर रिलेटिव्स वगैरह मौजूद होंगे, मिलेंगे, गपशप लगाएंगे। काम तो कर लिए, अब थोड़ा सा इंजॉयमेंट करनी है। तो जो जो मनाजर होंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें। अच्छा दोस्तों, अब हम तैयार हो गए और भाई भी तैयार हो गया है। त्रोड़ा छोड़ा इसने उठा लिया, त्रोड़ा किधर है? त्रोड़ा भी हमने उठा लिया, अभी निकलने लगे हम गाँव के लिए। तो बस चलते हैं, जो भी रास्ते में मनाजर आते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी बारिश वगैरह भी हुई है, ये देखिए जी नज़र आ रहा है। चले चलो लोग अभी भी रास्ते में, ये देखिए बकरे वगैरह लेके घूम रहे हैं, गाय वगैरह बैल वगैरह। सिलसिला चल रहा है ईद के पहले दिन भी, क्योंकि कुछ लोग जो से होते हैं कुर्बानी के दूसरे दिन और तीसरे दिन कुर्बानी देते हैं, इसलिए खरीदो फरोख्त अभी चल रही है। या आप लोगों को जो हम नज़र आ रहा होगा उतरों की। और अभी बस होटल की है, नाश्ता क्यों मैंने थोड़ा सा किया था और मुँह मीठा करना था, मुँह मीठा करने का मुझे दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो ईद में मुँह मीठा कर लेता हूँ, गोश्त तो खाऊँगा। रास्ते में से मैं गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें हमारे गांव में जो सा तरक्याती काम चल रहा था, ये पुली बना रहे हैं, जो के काइया एक गांव है उधर से ये रास्ता गुजर के आता है। आज बारिश होने की वजह से ये देखें बहुत ज़्यादा पानी आया और काफ़ी नुकसान भी हो गया मेरे ख्याल से, उधर से रास्ता ख़राब भी हो गया। एक वो पुरानी पुली बनी हुई थी और ये अब नया एक पुल बना रहे हैं बड़ा सारा, और अभी जो सी इसका लेवल है वो मतलब उस रोड के और इसके बराबर हो जाएगा, आसानी के साथ आए जाएंगे। अभी पहुंचते हैं घर की तरफ, आज चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो देखें वो तो बाइक लेके आगे चला है और मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहा हूँ। टांगें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की दर्द कर रही हैं, पाँव भी दर्द कर रहे हैं। मौसम अलबत्ता ये है कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठंडा मौसम है। सोचा नहीं था कि ईद के दिनों में ऐसा मौसम होगा, लेकिन ये अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। तो मैं पहुंच चुका हूँ, ये देखें लगे हुए दौड़ोदाड़ कुर्बानी का जानवर जो सा वजीबा हो चुका है और अब इसकी छोटी छोटी बोटियाँ की जा रही हैं।
काफ़ी थकावट हो गई है और अभी सख्त नींद आ रही है मुझे। मैं यही सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ घंटा दो घंटे, लेकिन मज़ा नहीं है सोने में। अभी यही है कि ये गोश्त वगैरह होगा, गप शप लगाएंगे साथ। जा हो गया ऐसा था ना, इधर फिर से बाद चला पता बंदे उधर उधर फिरना दूर। मोटे दंद होने दोंदी की निशानी होनी। अच्छा जनाब इसकी अख है, हां जी अख बच गई। दोस्तों ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, गोश्त वगैरह कंप्लीट हो चुका है, गोश्त ले आए हैं। बस अभी मैंने अब्बू को कहा है कि जिसका जो भी हिस्सा बनता है, जिसने कुर्बानी नहीं दी उसे दे दें, तकसीम कर दें, गोश्त तकसीम कर देंगे। बाकी जो अगर थोड़ा बहुत हम मतलब अपनी ज़रूरत का है वो ले जाएंगे और बाकी सारा यहाँ पर हम तकसीम कर देंगे। हाँ जी हाँ हाँ सारा मिक्स कर दो। ये मैं आया हूँ अभी कसी की तरफ। ये देखिए बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी आई लेवल पे चला गया था, ये मशीन भी डूब गई थी। वो सामने निकाल रहे हैं, वो भी मशीन फंसी हुई है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है। अभी हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद फिर जो सा है देखेंगे वो मशीन किस तरह निकाल रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ से गिरने का भी ख़तरा है, लेकिन अल्लाह मारो अभी तो काफ़ी। ये देखें पानी नजर आ रहा है, मोबाइल पता नहीं, वो उधर चलते हैं फिर वो दिखाते हैं आपको। ये आप पत्थर देखे सारे डूबे हुए, जुतियाँ ला दो इतने ही नहीं लेके जाता मैं। ये देखें जूते में चल जान दे। जान दे जान दे जान दे ये यहाँ पर इंजन फिट किया, दूसरी साइड पे जो सी है ये कसी है। मैं ये अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहा है, ये सारा पानी आ रहा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है सारी जगह। ये कैमरा वाटरप्रूफ है, टेंशन नहीं है। ये देखें ये नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा पानी इधर आ रहा है और ये उस सतह तक गया है। ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे का सारा इसके ऊपर ये जो सी कीचड़ की है लगी हुई है पानी की वजह से। ये हमें नज़र आ, जूते मैंने हाथ में उठा लिए और मैं पैदल चल रहा हूँ। ये सारी जगह देखें, जूते लगा के गए बाकी लोग, मैं आप लोगों को पीछे भी नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा मुझे मज़ा आता है इसी तरह चलते हुए, और मैं चलता जा रहा हूँ। अब वॉलीबॉल ग्राउंड पे पहुंचना है। पानी खड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो पाँव धो लेता हूँ, पाँव धो लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। ये बारिश का पानी खड़ा हुआ है रास्ते में, कीचड़ बहुत ज़्यादा मेरे पाँव को लगा हुआ था, जैसे साफ़ कर लिए। अभी जूते नहीं पहनता, जूते आराम से पहनूँगा, कांटे भी लग सकते हैं लेकिन अल्लाह मालिक, खैर है कुछ भी नहीं होता, पसीना आ गया। बाकी जो सी वॉलीबॉल वाली टीम है वो आगे चल रही है, आगे जा रही है। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सारे वॉलीबॉल के ठड़की हैं। छः बज गए जी, अभी जो है स्टार्ट करने लगे हैं वॉलीबॉल का मैच और खुद ही मैच खेलेंगे। क्यों चाचू कोई टीम आसी आप ही? जलेबी सही है, बोतल बोतल जलेबी क्या लगा है? कारियर ने बता सी क्या लगा, खाली बोतल और मोटरसाइकिल लटकी हुई है इथे पा जलेबी और पकौड़े मर्चा ले भी है। सब लोगों ने ये देखे कमीजें इधर लटका दी हैं, ये स्पेशल इन्होंने बनाया हुआ है और ये नजर आ रहा है, कमीजें उतार दी हैं और इधर लटका दी हैं। वॉलीबॉल की गेम स्टार्ट कर ली है इन्होंने, 50-50 वाली गेम है, 25वें साइड चेंज है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एरिया की, ये किस जगह खेली जा रही है। ये जंगल है सारे का सारा, इधर यहाँ पर ये ग्राउंड बनाया गया आबादी से थोड़ा सा दूर, क्योंकि आज़ादी के साथ थोड़ा सा कैके भी लगाते हैं ताकि घरों से दूर थोड़ा सा हो ना,
फुल एंजॉय करके खेला जाए। फुल आ रहा है। सत नौ हो गए जी, सत नौ। ये देखें जी, ये टटीरी मेरे सर के ऊपर मंडला रही है, ये आवाज़ आ रही होगी। ये ज़मीनें में देखने के लिए आया था, ये सारे हमने बन बनवाए थे और ये वाला टूट गया बारिश होने की वजह से। और उस साइड से मैं देख रहा हूँ शायद टूटा है कि नहीं, ऊपर वाली साइड गया हूँ लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, कीचड़ था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। आवाज़ सुने वो से, ये देखें ओए होए मेरे पाँव के साथ, ये देखें ओए होए कीचड़। अच्छा दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये नज़र आ रहा है ये पानी खड़ा हुआ है। और ये वो जगह थी जहाँ से पानी निकल रहा था और ज़मीन वहाँ से मैं उधर से आया हूँ, सारा का सारा कीचड़ था। दो जगह से ज़मीन मतलब बहने का ख़तरा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सी है वो टूट गई है और इधर से भी टूटने का ख़तरा है। ये वाला ये देखा है, यहाँ पर एक किसी चूहे ने सुराख की थी जिसकी वजह से ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता बैठता जा रहा है, पानी यहाँ पर खड़ा हुआ था। और दूसरी वो साइड है, ये देखें जैसे नज़र आ रही है पानी वहाँ से निकल रहा था। अभी दूसरी साइड में आप लोगों को चेक कराता हूँ, उधर भी जाता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। भाई भी आया है, ये दूसरे रास्ते से आया, मैं इस रास्ते से। ये अबू को दिखाना है, बताना है कि इसकी सेटिंग की जाए, बरवक्त सेटिंग की जाए तो ठीक है, वरना नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये भी देखिए सारी दराड़े पड़ गई हैं, ये पीछे हमने काम कराया था काफ़ी ज़्यादा। और ये जो सी है, ये हमारी ताया की ज़मीन है, इस साइड से ये टूट चुकी है टोटल, ये भी काफ़ी नुकसान है। ये नज़र आ रहा है ये वाला। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और अभी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा पड़ता जा रहा है, मैच भी एंडिंग पॉइंट पे है। अभी 46 और 38 मतलब 50-50 का मैच था, वो चल रहा है, फाइनल होने वाला था। मैंने कहा मैं जाता हूँ अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए अंदाज के साथ। दोस्तों ये आप आवाज़ सुने, शाम का टाइम है, मैं गाँव के अंदर मौजूद हूँ और बारिश के बाद के मतलब ये कुछ मंजर है और कुछ आवाज़ें, ये आप गौर से सुने। ये पानी रुका हुआ है, इसके अंदर से जो सी आवाज़ें आ रही हैं, मेंडिंग की हैं या किस चीज़ की हैं, ये आप ज़रा सुने और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब तरक्की होना शुरू हो गई है, वो नज़र आ रहा होगा वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आबादी इस तरफ भी मूव कर रही है। दोस्तों ये मज़ीद कुछ आवाज़ें सुने थोड़ी सी, आ रही होंगी आपको आवाज़ें। ये देख रहे होंगे यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की गई है, पता नहीं इधर क्या बना रहे हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम, वैसे मैं देखने के लिए आ गया हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक। वो चढ़े में जी इनकी गाय वगैरह मेरे ख्याल से गुम हो गई है क्या, कह रहे हैं कि उधर देख लेना, मैंने कहा ठीक है। मैं भी अभी वापस घर की तरफ जा रहा था, वो देखें टीम भी अभी खेल के वापस जा रही है, सामने नज़र आ रही है, ये सारे जो चल के जा रहे हैं वापस घर की तरफ जा रहे हैं। घर उस साइड पे, बाइक की गाय देख के आए उधर से नहीं मिली, उस साइड पे नहीं है।